सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह द्वारा कांग्रेस पर लगाए आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रेणुका सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके सरगुजा दौरे के एक दिन पहले सरगुजा के प्रभारी मंत्री की शासकीय बैठक में कांग्रेस के नेता मौजूद थे, तो वहीं अब इस आरोप से सकते में आई कांग्रेस के नेताओं ने बचाव के लिहाज से पलटवार किया। इस मामले में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में 15 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस की ऐसी परंपरा नहीं रही है कि उनके नेता किसी सरकारी बैठकों में जाएं, लेकिन वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रभारी मंत्री से चर्चा भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। उस बैठक में तो भाई प्रशासनिक अधिकारी थे, कांग्रेस के विधायक मंत्री थे, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता भी थे। 15 साल में हम लोग भी सरकार में थे और कोई भी बैठक ऐसी नहीं हुई जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बैठक में हो और वो दिशा निर्देश दें। तो पार्टी की हैसियत से जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, न ऐसा कभी होता है। कांग्रेस की ऐसी परंपरा नहीं रही, कांग्रेस की बड़ी सुव्यवस्थित और स्वच्छ परंपरा रही है कि कहां पे किसको जाना है और बैठक में क्या विचार व्यक्त करना है, ये हमारा सारा सुनियोजित है।